युवाओं को कोई खतरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। रामराज हम लाने वाले हैं अब देश में, मध्य प्रदेश में। आज भाजपा में दलाली दलाल है, वहाँ जन नेता कोई नहीं है, जन नायक कोई नहीं है, जन सेवक कोई नहीं है। 450 रुपए वाला सिलेंडर 1100 रुपए हो गया। महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाजपा के शासन में, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा अडानी अंबानी के नाम किया जा रहा है। भाजपा जाति के नाम से बंटवारा कर रही है, भाजपा धर्म के नाम से बंटवारा कर रही है। मछली पालना और मछली मारना ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, जिसको हमसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीनती चली जा रही है। और हमारा 35 से 40 लाख मछुआरा मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार हो चुका है और आज की तारीख में गुलाम बना हुआ है। ओबीसी समाज के अगर प्रधानमंत्री होते तो ओबीसी का ख्याल रखते। राम मंदिर से वहाँ के पुजारियों को रोजगार मिलेगा, आपको हमको रोजगार मिलेगा। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप वो पोस्टर देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया फिशरमैन राहुल गांधी। पोस्टर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें जो है ऑल इंडिया पूरे भारत से जो है फिशरमैन यानी कि मछुआरे लोग आए हुए हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है आप लोग यहाँ आ रहे हैं बार बार, क्या दिक्कत है? इसलिए आना पड़ रहा है हमें बार बार कि इस भारतीय जनता पार्टी ने जब से इस देश के ऊपर सत्ता हासिल करी है, 2003 से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, तब से मछुआरों के ऊपर एक के बाद एक अटैक हो रहा है। और चूंकि मछली पालना और मछली मारना ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, जिसको हमसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीनती चली जा रही है। हमें तालाबों के 10 वर्ष के पट्टे दिए जाते हैं और यही फिशरमैन कम्युनिटी का ये फंडामेंटल राइट्स है कि उसे ही तालाब दिए जाए, क्योंकि वो उसका पुश्तैनी धंधा है। परंतु मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जब से शिवराज सिंह सरकार में आए हैं पिछले 18 वर्षों में ये धंधा हम लोगों से छीन लिया है और गैर जाति के गैर मछुआरा लोगों को बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों को तालाब और बड़े बड़े डैम दिए जा रहे हैं और हमारा 35 से 40 लाख मछुआरा मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार हो चुका है और आज की तारीख में गुलाम बना हुआ है। तो लेकिन बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में अच्छा काम कर रही है और आप लोग उनके खिलाफ काम अच्छा कर रही है, सिवाय जुमलेबाजी के अलावा और झूठ बोलने के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिवाय झूठ बोल रहे हैं। आपने इसमें राहुल गांधी की तस्वीर लगाई है, ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है, सच आ रहा है, ऐसा आपने क्यों लिखा? ये इसलिए क्या है कि राहुल गांधी एक पर्याय बन गया है सच का, कि राहुल गांधी का जो नाम है वो एक सच का है, उसने जितनी भी बातें की है मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया है। कांग्रेस की सरकार थी तो सब ठीक था, बिल्कुल ठीक था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोगों को शिक्षा मिल रही थी, लोगों को अपने काम धंधे मिल रहे थे, एक व्यवस्था नहीं थी हमारे जो ना भाईचारा बना हुआ था, आज वो सारा हमारा भाईचारा खत्म हो चुका है। आप लोग को दिक्कत हो रहा है, ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबका विकास, नहीं झूठ प्रधानमंत्री कौन कहता हूँ, अगर वो ओबीसी समाज के अगर प्रधानमंत्री होते तो ओबीसी का ख्याल रखते। 27% मध्य प्रदेश में आरक्षण था ओबीसी का, जो आज 14% बचने दिया। हमारी ओबीसी समाज कहाँ है? ओबीसी समाज उनकी, ओबीसी समाज के बिल्कुल भी नहीं है वो, तो बना ओबीसी समाज को जुमला देकर और ओबीसी समाज के साथ खिलवाड़ की जा रही है टोटल। और अडानी अंबानी के यहाँ पूरे देश का पैसा, हमारा जनता का, गरीब जनता का पैसा, किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा अडानी अंबानी के नाम किया जा रहा है। हमारे पास कुछ नहीं है, ओबीसी का एक जुमला दिया जा रहा है। अगर ओबीसी के प्रधानमंत्री पीएम साहब हैं तो उन्होंने क्यों नहीं हमारा 24% आरक्षण दिया, क्यों घटा के 14% कर दिया? ओबीसी को तो 27% तो 27 है ना, कहाँ है ना? अभी हम लोगों ने मैंने चुनाव लड़ा है ओबीसी के, जहाँ एक नगरीय क्षेत्र में आपको ओबीसी से दिक्कत है, लेकिन राहुल गांधी तो ब्राह्मण है। वो सब कैसी है मैं बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी कौन है? जाति जाति का पावना, जाति जाति में जाए, और राहुल ऐसा पावना कि सब जातों में जाए, उसकी कोई जाति नहीं है, कांग्रेस की कोई जाति नहीं है। भाजपा जाति के नाम से बंटवारा कर रही है, भाजपा धर्म के नाम से बंटवारा कर रही है। अरे तो टीका तो लगाए हुए रामराज आ रहा है, तो रामराज हम लाने वाले हैं अब देश में, मध्य प्रदेश में। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने राम को गंगा पार लगाया है, हम वो लोग हैं, और हमारे साथ में इतना अन्याय अत्याचार कर रही है ये राम के नाम पे सरकार बना रहे हैं। राम मंदिर बन गया, आप लोग जाके पूजा राम मंदिर से वहाँ के पुजारियों को रोजगार मिलेगा, आपको हमको रोजगार मिलेगा।
भी पुजारी बनिए, क्या बनने देते हैं? वो तो उन्होंने उस पर अपना अधिकार जमा रखा है। किसने किसने? उन्हीं लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, जो भाजपा के दलाल हैं, जिस तरह से जो पूरे जिस तरह से पूरे देश का ट्रेनें बिक रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, आज भाजपा में दलाल ही दलाल है। वहाँ जन नेता कोई नहीं है, जन नायक कोई नहीं है, जनसेवक कोई नहीं है, कोई नहीं है, जन नायक वहाँ पर जन नायक राहुल गांधी मीडिया ने बनाया है, मीडिया ने जन नायक बनाया, जनता ने जन नायक। आप लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा, पूरे विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा नाम रोशन हो रहा है। जिस देश के अंदर भाईचारा था, सब मिलजुल के रहते थे, उस देश में आज एक दूसरे के दुश्मन हुए जा रहे हैं इन भारतीय जनता पार्टी के कारनामों के कारण। आप लोग को शायद पता नहीं, अल्पसंख्यकों से हिंदुओं को दिक्कत है, तकलीफ है, वो लोग जो है मारपीट करते हैं, लव जिहाद करते हैं, मुस्लिम जो है वो मारपीट करते, दंगाई करते। किसने दिया ये नाम लव जिहाद का? कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं ये नाम लव जिहाद का। इस देश के अंदर संविधान ने सबको हिंदुओं को खतरा बिल्कुल नहीं है, हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को खतरा है, भारतीय जनता पार्टी को खतरा है, इस देश के भाईचारे से भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। अगर 70 साल में हिंदू खतरे में नहीं थे और भाजपा के आने पर अगर हिंदू खतरे में है तो भाजपा को नमस्कार कर देना चाहिए, इन्हें विदा कर देना चाहिए कि हिंदू खतरे में क्यों है, ये तो प्रश्न चिन्ह भाजपा वालों पे है। दूसरी बात, हमें जाति धर्म से बहुत ज्यादा वो नहीं, हम सब एक हैं, हमें हमारे अधिकार देने चाहिए, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए। गरीबों के लिए तो कर रही है सरकार, और कितना करेगी? बहुत अच्छी बात आपने पूछा, गरीबों के लिए कर रही है, 450 रुपए वाला सिलेंडर 1100 रुपए हो गया, 1200 रुपए, रोजगार कहाँ पर मिला? 2 करोड़ नौकरियाँ प्रतिवर्ष मिल, 15 लाख आपके खाते में आए, हमारे नहीं आए। जो 15 लाख का जुमला था, जो 15 लाख का वो उन्होंने किया है, 15 लाख आपके खाते में आ गए? मोदी जी की झूठी बात है, आपके खाते में आ गए 15 लाख? मेरे तो देकर। अच्छा, आपके अगर आ गए तो हम लोगों को किराया दे दीजिएगा। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाजपा के शासन में, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। अग्निवीर योजना आ गया, अग्निवीर योजना आ गया, जो 6 साल में उनको चलता कर देंगे आप, 6 साल में उनको रोजगार देके 6 साल में बेरोजगार, फिर वो बंदूक लेके क्या जनता के बीच में घूमेंगे? आपने मध्य प्रदेश, आपने जो बोला महिलाएं सुरक्षित हैं, मध्य प्रदेश की पिछली रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है महिलाओं के ऊपर। जब तक सरकार के हिसाब से जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक इसी तरीके की जो चीजें होती रहेंगी। मतलब आप इस संविधान को तोड़ना चाहती है? संविधान बात नहीं करना चाहती। आप क्या भाजपा की दलाली कर रही हैं कि हमारे फिर हिंदू राज, फिर ये वो हिंदू मुस्लिम क्या है? भाजपा से सवाल पूछिए ना, ये हम लोगों से कांग्रेसियों से क्यों पूछा जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपके हीरो, आपने जो ये हीरो की तस्वीर लगाई, आने वाले समय चली गई, आप क्या कर लेंगे? क्या हो गया तो ये जनता फिर ले आएगी? नहीं नहीं, जनता भी एक महीने के अंदर संवैधानिक तरीके से ये सदस्यता में निर्णय देगा, मुझे यकीन है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है ना किया है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी, वो जल्द संसद में आएंगे और जो उन्हें बोलना है वो बोलेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए लगातार जो है आप लोग बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं है हम लोग, हम बीजेपी की व्यवस्था के खिलाफ है, उसकी नीतियों के खिलाफ है। जिस तरीके की नीतियां उसने अपना ली है, यदि वो 10-20 साल इस देश के ऊपर रह गई सत्ता में, तो इस देश के अंदर गरीबों का जीना मुश्किल हो जाएगा, गरीब खत्म हो जाएगा, यहाँ रोजी रोजगार का इतना अभाव होगा कि मार काट मच जाएगी इस देश के अंदर, यदि ऐसा ही चलता रहा तो। आप बीजेपी वालों से अडानी की बात करने के लिए क्यों नहीं बोलते? वो अडानी के नाम पर चुप क्यों हो जाते हैं? आप लोग अडानी अडानी कर रहे हैं, अडानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, यहाँ के वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, थोड़ा पैसा आता जाता रहता है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, पैसा आता
ज्यादा रहता है, 500 का सिलेंडर, 450 का सिलेंडर, 1200। मीडिया के पास जो सारा पैसा आ रहा है, मुझे तो कुछ मीडिया से ऐसा अनुभव हो रहा है कि मीडिया को जरूर उसमें से कुछ हिस्सा मिल रहा है, चाहे भाजपा से मिल रहा हो, चाहे अडानी से मिल रहा हो, चाहे मीडिया को मिल रहा है। जो बिकाऊ मीडिया होगी, जो भाजपा की दलाली। अरे आप तो रवीश कुमार बनी है, रवीश कुमार बनी है आप तो। एक बात बोलूंगा मैम, इस देश में अगर ईमानदार नेता ढूंढना है तो इकलौता मात्र राहुल गांधी है जो देश के लिए, जनता के लिए लड़ रहा है। यही हकीकत है, यही सत्य है, लेकिन सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है पर दबाया नहीं जा सकता। मान लेना चाहिए जल्दी कि राहुल गांधी सच्चा इंसान है। लग रहा है कब तक आपको ये जो धरना है, आप लोग जो प्रोटेस्ट करें, कब तक करना होगा? आप लोग की जो मांगे कब तक हो गया हमारा धरने का समय? हम जब तक करेंगे, जब तक मध्य प्रदेश में भाजपा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को घर नहीं बैठा देंगे, कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, और दिल्ली में आकर जब तक हम भाजपा के पीएम को उनको गुजरात नहीं भेज देंगे और राहुल गांधी को पीएम नहीं बना लेंगे, तब तक इस समाज का धरना और प्रदर्शन बराबर चलते रहेंगे। राहुल गांधी जो पीएम बन जाएंगे, आपको लग रहा है वो पीएम बन पाएंगे? क्योंकि अभी तो उनकी सांसद ही चली गई है, और जो है जनता जो है बीजेपी से ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि ज्यादा प्रेम करती है, क्योंकि अमित शाह कह रहे थे चाहे विपक्ष कितना भी हल्ला कर ले, आएगी तो मोदी की सरकार ही आएगी। क्या है, विपक्ष हल्ला नहीं कर रहा है, और जहाँ तक पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूं कि सदस्यता चली गई है, सदस्यता बहुत जल्दी अति शीघ्र अविलंब वापस होने वाली है। बात रही सदस्यता की, बहुत जल्दी वापस हो जाएगी। 2024 में जो चुनाव होगा उसमें अडानी अंबानी और भाजपा और पीएम सब देखते रह जाएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस एक ही है, ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, दूसरे को हीरो बनाए, रोटी बेटी का नाता है इन लोगों का। नहीं, जो लोग कहते हैं वो, और हर कोई नहीं कहता है, आप लोगों जैसी मीडिया इसलिए कहती है क्योंकि आपको भाजपा ही नजर आ रही है। जैसे मैंने अभी बताया, आप उसको अन्यथा नहीं लेना, हो सकता है आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। जिस मीडिया को इनके द्वारा पैसा मिलता है, दलाली मिलती है, वो मीडिया भाजपा की बात करती है। तो क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? 2024 में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी बनेंगे, और बहुत बहुत दम से बनेंगे, और एकदम एक तरफा शासन आएगा कि जो देखते रह जाएंगे 40 साल तक। तो अभी 70 साल देखा ना इनने, 70 साल के सपने छोड़ देगी भाजपा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, अभी तो ये लड़ाई है। ये लोग जो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए 2024 में हम पीएम को गिरा के रहेंगे, मोदी सरकार को गुजरात भेज के रहेंगे, और ये लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो मछुआरे जो हैं, जो मछली पालन का काम करते हैं, ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, इन लोगों का हक इन लोगों को मिलेगा? और ये लोग जो बोल रहे हैं कि पीएम जो है 2024 में राहुल गांधी बनेंगे, आप लोग को क्या लगता है सच में पीएम राहुल गांधी बनेंगे? आप लोग की पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।